बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। उनको जितना मर्जी तोड़ा जाए तो उनकी छोटे से छोटा भी जो पार्ट होगा एलिमेंट का, वो उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो सेम रहेंगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बताया गया है बुक में कि अर्ली एजेस में, शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो है ना, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर, ये लोगों को पता था। ठीक है, तो इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिर 19th सेंचुरी है उस वक्त तक, उसके एंड तक 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, अभी तक जो है ना 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स, इसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली पाए जा रही हैं कुदरती तौर पर, नेचुरली अकरिंग। ठीक है, और बाकी जो है वो नेचुरली अकरिंग नहीं है। जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट है दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी क्या होता है इसमें कि जो एलिमेंट है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स होती हैं। अगर गोल्ड है उसको जितना भी आप तोड़ेंगे तो उसका छोटे से छोटा जो जर्रा होगा, पार्टिकल होगा, वो भी गोल्ड ही होगा, वो भी एटम जो है वो गोल्ड का ही होगा। तो उसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसका छोटे से छोटा हो या बड़ा हो उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, और कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। ठीक है, तो इसको हम क्या है कि डिकम्पोज नहीं कर सकते, कांट डिकम्पोज इन सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। ठीक है, ये आप याद रखना है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और इसमें हर एक का जनरल एटॉमिक नंबर सेम होता है, एक जैसे एटम होते हैं, और उनको हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से। ठीक है, इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूनिक एटम्स होते हैं, यूनिक से बात यह है कि उनकी अपनी ही प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उनकी अपनी ही जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, वो फ्री भी हो सकते हैं नेचर में और कंबाइंड फॉर्म में किसी और के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, जैसे अर्थ की क्रस्ट है वहाँ पे कुछ और परसेंटेज में पाए जाते हैं, ओशंस में किसी और तरह से पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में किसी और हिसाब से प्रोपोर्शन से वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें टेबल दिया गया है कि जो क्रस्ट ऑफ अर्थ है उसमें ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है और एल्यूमिनियम 7.8% है। वही ऑक्सीजन जो है ओशन में है 86%, जबकि वही ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में है 21%, और जो ओशंस है वहाँ पे हाइड्रोजन है 11% और क्लोरीन है 1.8%, जबकि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में 78% और आर्गन है 0.9%। ठीक है, एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जब सॉलिड्स में होंगे तो जैसे सोडियम है, कॉपर, जिंक, गोल्ड। ठीक है, तो इसके अलावा लिक्विडों में ही है, एक वो बहुत थोड़े से हैं जैसे मर्करी और ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। गैसेस में नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उनके प्रोसेस इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे हम अगर इनको डिवाइड करें तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में ये क्लासीफाई होते हैं, यानी इसके जो ग्रुप्स हैं या तो ये मेटल्स होंगे या
नॉन मेटल्स होंगे या ये होंगे मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स, ये तीन जो है उनकी ग्रुपिंग्स हैं थ्री टाइप, ठीक है। तकरीबन 80% जो है ना वो मेटल्स हैं, यानी ज़्यादा जो हैं वो 80% क्या हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल्स के साथ। हम पढ़ते हैं कि सिंबल क्या होता है। सिंबल जो होता है ना वो शॉर्ट फॉर्म होती है उसके नाम की, फुल जो नाम है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको सिंबल कहते हैं। वो एक अकेला का एक लेटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, जब अकेला होगा एक वर्ड होगा तो वो कैपिटल होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो लेकिन ये अगर एक से ज़्यादा, जैसे कैल्शियम है तो उसको हम सी और ए, ये वाला कैपिटल होगा और ये स्मॉल होगा, ठीक है। तो सी ए हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम एम कैपिटल और जी स्मॉल। ये इनके इंग्लिश नाम से भी हम ले सकते हैं जो शॉर्ट फॉर्म है, या इनके लैटिन फॉर्म उनसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो लैंग्वेजेस में, ग्रीक में भी हो सकता है इनका नाम, इंग्लिश में भी, लैटिन में भी, ठीक है। तो जो नाम होता है उसके जो शॉर्ट फॉर्म जो है ना उसको हम कहते हैं सिंबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि वैलेंसी, वैलेंसी होती है कि उसमें कितनी पावर है एलिमेंट में कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन कर सकता है, एक्शन और उसमें जा सकता है, मिल सकता है, कंबाइन कर सकता है, ठीक है। कि जो वैलेंसी है उसकी कितनी उसमें सलाहियत है, टेंडेंसी होती है सलाहियत टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। ये डिपेंड करता है कि जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस की तरह जो है ना पुरसकून रहें, उनके जो आउटर शेल्स हैं वो कंप्लीट रहें। तो इसी तगड़ों में जो है वो रहते हैं, या तो वो बॉन्ड्स बनाते हैं शेयरिंग में, या फिर वो किसी से एटम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आयनिक बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। तो उनकी जो बॉन्ड्स बनाने की या मिलने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये बताया गया है, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें सोडियम जो है वो एन है, ये आपने सिंबल्स याद करनी है। सोडियम जो है इसको, इसका सिंबल है एन कैपिटल और ए, ठीक है। पोटाशियम का कैपिटल के है, सिल्वर का ए जी है, ए कैपिटल जी स्मॉल। मैग्नीशियम का हमने बताया एम जी, कैल्शियम का सी ए, हाइड्रोजन का एच, क्लोरीन का सी एल, ब्रोमीन का बी आर, आयोडीन का आई, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी वैलेंसियाँ रखते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं कि वो उनकी वेरिएबल वैलेंसी है, वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा उनकी वैलेंसियाँ हैं, ठीक है। जैसे जो लोहा है आयरन, ठीक है, वो जब सल्फेट से मिलेगा तो एफ ई एस ओ फोर, ये होगा फेरस सल्फेट, कहेंगे फेरस सल्फेट। यहाँ पे जो आयरन है उसकी वैलेंसी है टू, ठीक है। एक है एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस, यह फेरिक सल्फेट, ये फेरस था और यह एफ ई डब्ल्यू आर आई सी, फेरिक सल्फेट, ठीक है। इसमें भी आयरन है, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी है थ्री, ठीक है। तो ये हमने जो है एक में हमने फेरस यूज़ किया, इस एक में हमने फेरिक यूज़ किया, ठीक है। हमने आपको बताया कि जनरली जो है लैटिन या ग्रीक नेम जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। फेरस जो है उसको एंड पे ओ, एक्चुअली वो नाम क्या उसका है, फेरम, एफ ई डब्ल्यू आर यू एम, जो ओरिजिनल नाम है आयरन का वो है फेरम। तो उसको एंड पे मॉडिफाई करके ओ यू एस लगा दिया तो उसकी वैलेंसी कम होगी, ठीक है, फेरस। और अगर उसको एंड पे आई सी लगा दिया तो वो फेरिक हो जाएगी, वो हो जाएगा हाई वैलेंसी के लिए, ठीक है। तो फेरस लोअर वैलेंसी के लिए और फेरिक हाई वैलेंसी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये एलिमेंट्स का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड। तो हमने कंपाउंड को, अब हमने
स्टडी करना है। कंपाउंड, ये जो है कंपाउंड क्या होता है, ये टू या मोर देन टू एलिमेंट्स जो हैं, जब उनको हम केमिकली कंबाइन करते हैं केमिकल तरीके से, तो बनाते हैं वो कंपाउंड, ठीक है। और उनकी क्या दिया कि फिक्स रेशियो होती है बाय मास, कि अगर हमें जितने भी एलिमेंट्स हम मिक्स करेंगे और उनका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो उनकी जो ना फिक्स्ड रेशियो होगी बाय मास। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जैसे आप अंडा जो है उसको जब फ्रिज में पड़ा होता है तो उसको किसी यूज़ का नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब आप उसको फ्राई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, वो आपके इस्तेमाल में आ जाता है, आप उसको खाते हैं, ठीक है। तो पहले और थिंग और बाद में और थिंग, इसी तरह से जब हम जो एलिमेंट्स हैं उनकी पहले केमिकल रिएक्शन से पहले प्रॉपर्टीज कुछ और थी, और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो नई चीज़ बन जाएगी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जो कंपाउंड जो बनते हैं दे आर एंटायरली हैविंग न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। कंपाउंड जो है दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मैथड्स। कंपाउंड को जो है ना आप फिजिकल मैथड से आप दोबारा जो है ना वो एलिमेंट्स में आप वापस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब एलिमेंट्स ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं केमिकली, फिक्स रेशियो होती है 12 और 32 और या 3 बाय मास जो है ना वो 3 और 8, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इससे बनती है, ठीक है। वाटर जो है उसका भी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, वो एक कंपाउंड है फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, ठीक है। तो इनको आप जो है वो आराम से जो है ना दोबारा से जो CO2 है उसको C और O में डिकम्पोज आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई क्या होता है, क्लास में बनाना, क्लास रखना, ग्रुप में बनाना, ग्रुप में रखना, ग्रुपिंग करना, क्लास क्लास में रखना, ठीक है। कंपाउंड्स है वो क्लासीफाई हो सकते हैं जैसे आयनक, आयनिक या कोविलेंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में बनाते हैं, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। दिस अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो ये कहता है कि इसमें आयंस जो है ना वो उनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल होता है, तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, उनके जो एटम्स हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट आपको चाहिए होगी, ठीक है, या उनको मेल्ट करने के लिए जो है उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जो है ना रिप्रेजेंट किया, जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको करते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे सोडियम क्लोराइड है जो हम खाते हैं, नमक सॉल्ट NaCl, उसमें सोडियम और क्लोरीन है NaCl, उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से कास्टिक सोडा है कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं, एक फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके फार्मूले, चूँकि इसमें होता है कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल है उसको कहते हैं उसके फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला। H2O, HCl, H2SO4, CH4, CH4 जो है वो मिथेन होती है, जो सुई गैस हम यूज़ करते हैं। H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है।
HCl जो है वो हाइड्रोक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2O जो है वो वाटर है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स उनके केमिकल फार्मूले लिखे हुए हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2, और उसके अलावा शुगर का है C12H22O11, और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, अमोनिया है NH3, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं NaOH है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इनको याद करना है, कंपाउंड्स के नाम को और उनके फार्मूलाज को आपने याद रखना है।